कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने संबोधित किया। अपने संबोधन में गणेश गोदियाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गोदियाल ने कहा कि भारतीय सेना के लिए अग्निवीर योजना लाकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने युवाओं के साथ छलावा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो नौजवान भारतीय सेना में नौकरी कर 54 साल की उम्र में कैप्टन बनकर रिटायर होता था, वो अब भारतीय सेना में मात्र 4 साल की अपनी सेवाएं दे सकेगा, जो युवाओं के साथ कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड में पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड में हर घर से एक नौजवान भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है, और ऐसे में इस योजना के आने से उत्तराखंड का नौजवान बेहद हताश और निराश है। गणेश गोदियाल ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा निकालने वाली है, और हम उत्तराखंड के जनमानस को केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर योजना लाए जाने और इसकी खामियों के बारे में बताएंगे, ताकि जनता को बीजेपी की असली हकीकत पता चल सके। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना के खिलाफ जो प्रदेश में एक पैदल मार्च की यात्रा निकालने के लिए आदेशित किया है, और जिसकी तैयारियां चल रही हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं स्वयं इस यात्रा में शामिल होऊंगा, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भय का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह भयभीत है, और इसलिए परसों प्रेस वार्ता करके उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के नेता युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस के युवा कांग्रेस युवाओं को भड़काने का काम कर रही है, तो अग्निवीर योजना के फायदे युवाओं के हित में क्या है, ये उसको स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखें। क्या फायदे हैं? जो युवा वर्षों से तैयारी कर रहा है, उसको 4 साल में भर्ती होने के बाद आप बाहर का रास्ता दिखाने की योजना बना रहे हो, और उस योजना का समर्थन भी कर रहे हो, तो आने वाले चुनाव में यहाँ के युवा आपको उसका हिसाब किताब बताएंगे। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइट।